क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी है f ऑफ x इज इक्वल टू कल का क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 इज देयर एंड इज इक्वल टू 20 फॉर x इक्वल टू 1 इज देयर ओके and we want to check whether this function is continuous at x equal to 1 or not. It is the base method of checking this one. So what we have done here, ye type ka question hai. So first of all, see what is the meaning of that question. Question aisa hai ki function ki value itni puri hai, x square plus 18x minus 19 divided by x minus 1. Tadhi yeh x not equal to 1 asthana. X not equal to 1 iska matlab hai x approaches to 1. ना ये तो मालूम है ना जब कोई चीज इसके इक्वल समझो फॉर एग्जांपल x नॉट इक्वल टू 2 इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू 2 है ना नॉट इक्वल टू 2 मतलब x अप्रोचेस टू 2 बट इट इज नॉट इक्वल टू 2 इज देयर दोनों का मीनिंग सेम तो जहां पे ऐसा रहेगा x नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये फंक्शन के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा लिमिट निकालना पड़ेगा और दूसरी बात जब x की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे ये फंक्शन की कीमत f ऑफ 1 कितना है 20 तो ये फंक्शन की कीमत एट इज इक्वल टू 1 पे दी वाली है 20 और उसके बाद जब x नॉट इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू दी वाली है 3 सो वी वांट टू चेक whether this function is continuous at x equal to 1 or not हम चेक करेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं एट x equal to 1 पे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट x equal to 1 पे कितनी है 20 क्वेश्चन नंबर 1 तो उसके बाद में फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1 जब एक्स इक्वल टू 1 नहीं है तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा एक्स टेंड टू 1 मतलब ये फंक्शन की हमको क्या निकालना पड़ेगा लिमिट निकाले वाली लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये बोथ आर द इक्वल देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस तो वन बाय वन देखेंगे अपन तो सबसे पहले हम इसे क्या निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू जब एक्स इक्वल टू 1 है फॉर एक्स इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 and call it the equation number 1. जब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 है तो इस पर रखो f ऑफ 1 ये कितना है 20 इसको इक्वेशन नंबर 1 है उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जब x नॉट इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम ये है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू इतना पूरा फंक्शन तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइड बाय x माइनस 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन When the value of function, when x not equal to 1, it is the value of that function. ये function की value है. तो जब x not equal to 1 है, तो अपने समझ में आना चाहिए. X ये equal नहीं है 1 के. मतलब x approaches to 1 नहीं सकता. तो इसलिए इस function के अपन क्या निकाल सकते हैं? Limit निकाल सकते हैं. तो limit extends to 1. F of x is equal to limit extends to 1. और ये function के लिए जो function की value रखो, x square plus 18x minus 19 divided by x minus 1 is there. अब यहाँ से ये क्वेश्चन लिमिट का हो गया तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया तो वी अप्लाई द लिमिट रिजल्ट हियर यहाँ पे हम लिमिट का रिजल्ट अप्लाई करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से यू सॉल्व करेंगे व्हेनेवर x टेंड टू 1 इज देयर देन व्हाट हैपेंस नाउ 1 स्क्वायर 1 प्लस 18 इनटू 1 18 18 प्लस 1 19 19 माइनस 19 इट इज ऑफ द फॉर्म 0 नाउ 1 माइनस 1 0 बाय 0 तो जब अपने को मालूम है लिमिट में व्हेनेवर द टर्म कम अंडर द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 देन वी हैव टू यूज व्हिच मेथड अगर से डायरेक्ट मेथड से आंसर 0 बाय 0 आया तो हम क्या यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं जमता होगा तो हम क्या यूज करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड रैशनलाइजेशन मेथड पे नहीं जमती होगी तो हम क्या यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे चार मेथड से तो सबसे पहले आंसर कितना आ गया तुम्हारा 0 बाय 0 है इसका मतलब हम यहां क्या यूज करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल है इसके फैक्टर कैसे करेंगे देखो यहां पर तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 बोलो माइनस 19 a का माइनस 19 ओके तो माइनस 19 के फैक्टर बोलो माइनस 19 के फैक्टर क्या आएंगे 18 मतलब क्या रहेगा 18 ये भी काम करो 19 माइनस 1 इज देयर 19 में से 1 गया तो 18 और 19 इनटू माइनस 1 माइनस 19 इज देयर तो फैक्टर समथिंग लाइक टू बी x स्क्वायर प्लस 19x माइनस x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x माइनस 1
So we can write here, it is equal to limit x tend to 1, इसमें से x common निकालो, x plus 19 बच गया, यहाँ से minus 1 common निकालो, x plus 19 बच गया, x plus 19 बच गया, divided by नीचे x minus 1. So after solving the limit, x plus 19, एक bracket में, बच्चे वाला term दूसरे bracket में, और ये x minus 1. So common term x minus 1 ऊपर से और नीचे से क्या हो गया कैंसल. Now apply the limit x tends to 1. x यहाँ पे जा रहा 1 के तरफ पे, यहाँ पे limit apply करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया. 1 plus 19 ये कितना हो गया 20. और इससे पहले भी मैंने बताया था ब्रैकेट में रीजन कि x क्या है tends to 1 है but x is not equal to 1 is there. इसका मीनिंग limit apply करने के बाद तो अब इसको हम क्या बोलेंगे ये इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2. तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू कितनी है 20 है. और उसके बाद जब x नॉट इक्वल टू 1 है तो हमने ये फंक्शन की क्या निकाला लिमिट निकाला और लिमिट निकालने के बाद भी कितना है 20. तो इसका मतलब जब x नॉट इक्वल टू 1 है और उस फंक्शन के अंदर लिमिट निकाला तो 20 और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे भी कितनी है 20. इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 एक और 2 के हिसाब से ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस. ये अगर से डिफरेंट आता था समझो ये 20 और ये 30 तो तब फंक्शन क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस. सब जब फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस अपन डायरेक्ट दे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और कंटिन्यूअस मतलब कैसे लिखेंगे अपन ऐसा. कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि ये फंक्शन की x इन x टेंड टू 1 पे निकाले वाली लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे ये दोनों क्या है इक्वल है. देखो ना फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 20 है और ये फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड टू 1 f(x) ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 20 है. देखो ये नहीं कह रहा तुमने लिमिट एक्सटेंड टू 1 f(x) ये भी कितना है 20. मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्सटेंड टू 1 पे 20 और फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे 20 दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है. अदरवाइज फंक्शन क्या रहेगा तुम्हारा डिसकंटीन्यूअस. वेरी सिंपल एग्जांपल का है ना. तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है. कैसा है क्वेश्चन जब x नॉट इक्वल टू 1 तो हम क्या निकालेंगे उसकी लिमिट निकालेंगे x नॉट इक्वल टू 1 पे और जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 20. हर बार यही दो स्टेप्स करेंगे. हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू डन हियर वी हैव टू डू हियर टू स्टेप्स. जब x की वैल्यू 1 2 जो भी रहेगा ये और जब नॉट इक्वल टू 1 2 रहेगा तो स्टेप पे उसी का निकालेंगे लिमिट निकालेंगे. बस इसी दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यू गॉट दैट. ऑन वेरी सिंपल एग्जांपल्स आर देयर जिसको कल ही समझाऊंगा उसको आज समझेगा. पहले लेक्चर में समझ नहीं आता दो से तीन लेक्चर होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आता. आज अब तक ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी में करने का क्या है. ये ऐसे दो प्रकार का पहले कंटिन्यूटी को रीड कैसे करने का फंक्शन को इम्पोर्टेंट है. फंक्शन की वैल्यू इतनी जब x नॉट इक्वल टू 1 है और फंक्शन की वैल्यू 20 जब x इक्वल टू 1 है. तो सबसे पहले फॉर x इक्वल टू 1 लेके जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन में रखो तो f ऑफ 1 कितना हो गया 20. इक्वेशन नंबर जब x नॉट इक्वल टू 1 है और x नॉट इक्वल टू 1 तो इस टाइम पे फंक्शन इतना है नॉट इक्वल टू 1 पे. अब नॉट इक्वल टू 1 है मतलब अपने पहले से बोलते हैं अपन x नॉट इक्वल टू मतलब 1 मतलब क्या चांसेस है x टेंड्स टू 1 x अप्रोचेस टू 1 सो वी कैन फाइंड द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन. ये फंक्शन के वास्ते लिमिट निकालेंगे. इसके लिए निकालने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है 20 है. x नॉट इक्वल टू 1 मतलब x टेंड टू 1 इस पे हम लिमिट निकालेंगे ये फंक्शन की. ये फंक्शन की लिमिट निकालें इसके बाद तो पूरा क्वेश्चन लिमिट का हो गया. डायरेक्ट मेथड फेल हो गया. सब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें आंसर कितना है 20. तो x x नॉट इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट भी 20 आई और x इक्वल टू 1 पे भी कितने 20 दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है. अदरवाइज फंक्शन क्या रहेगा. आई होप यू गॉट दैट वन. आज थोड़ा तो 70-80% समझ जाएगा और एक दो क्वेश्चन स्पेस पे लूंगा ये टाइप की तो तुम्हारा समझ जाएंगे कंटिन्यूटी कर देगा क्या जिसको लिमिट आएगा उसको ही कंटिन्यूटी आएगा. ओके चलो और एक क्वेश्चन अपन लगाते चलेंगे आगे. सब लोग कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया अपने पास ये टाइप का देखना है ना अपने को. तो क्वेश्चन जैसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल सर हाँ बोलो वो बोर्ड बहुत चमक रहा है क्या बोर्ड सर. Thank you.
अभी चमक रहा क्या? अब ठीक है सर। अब नाउ ओके, ठीक है, अभी चमक रहा। यस टेल मी नाउ। अभी भी ब्लर है सर। वन मिनट। अब क्लियर है सर। नाउ क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है सर। यस हाँ सर, अभी बराबर। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट वन। ए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक मिनट कैमरे में देखेंगे इस फॉर्मूले को। So next question that we have taken in case of that one is a so very simple question here. ये टाइप का देखना है ना, ये टाइप का देखना है मतलब, ठीक है चलो ये टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अपन। f of x is equal to function f of x is equal to ये ना फंक्शन f of x is equal to function something like to be here 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 plus 1 divided by 1 minus cos 2x। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ाया यहाँ पे अपन ने। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू लॉग टू होल स्क्वायर अपॉन टू फॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज देयर, एंड यू वांट टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो इज देयर। थोड़ा लेवल ज्यादा बढ़ गया क्या वो देखेंगे अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे के टाइप के कोई क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट उसके सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन। जिसको लिमिट आता सॉल्व करने के लिए उसके लिए सिंपल है। तो देखो अभी सबसे पहले वी वांट टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। अभी सबसे पहले क्वेश्चन समझने का जरूरी, फंक्शन की वैल्यू इतनी जब x नॉट इक्वल टू 0 है और फंक्शन की वैल्यू log 2 का स्क्वायर अपॉन 2 जब x इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन तैयार, क्या पहले x इक्वल टू 0 पे x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस x by 0, f of 0 कितना मिला तुमको log 2 का स्क्वायर अपॉन 2, कॉलिंग इक्वेशन नंबर 1। ओके अब जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द फंक्शन फॉर x नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन इज समथिंग लाइक टू बी 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 plus 1 upon 1 minus cos 2x is there. Okay, now for x not equal to 0 means we have to find out the limit of the function. So what is the limit of the function? Limit extends to 0 f of x is equal to limit extends to 0, what is the function here, 4 raised to x minus 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 plus 1 divided by 1 minus cos 2x is there. Now important ये है कि इसको how to solve that question, ये question limit का है। अभी question limit का है, तो limit की मदद से कैसे solve करेंगे ये important है इसमें। Then see now how to solve that question here, very simple one. So how to solve, very simple one, आप देखो ये कौन सा function है, exponential। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, देखो 1 by 1 अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आप, तो इसको तुम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लेंगे, तभी वो फॉर्म में
limit extends to 0. A raised to x minus 1 upon x. ऐसा आंसर कितने आता हो? Log a. How many steps is required? यानी कितनी steps चुकरा लाए? 3 steps. अब 4 steps. पहले extend to 0 तो है यहाँ पे compulsory उसको छोड़ दो. सबसे पहले exponential function है तो क्या की जरूरत है इसको? Minus 1 की. तो division में से क्या होना? X होना. तो यहाँ से कितना आएगा? Log a. उसके बाद denominator का formula बोलो. ये फॉर्मूला सबको मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स सॉरी पहले 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 सो नॉट टेलिंग मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस 2x एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 तो फॉर्मूला क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर 2x बाय 2 2 2 गेट्स कैंसिल वी गॉट ओनली हियर 2 साइन स्क्वायर x इज देयर सो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x 1 minus cos x का formula 2 sin square x by 2 is there. Only angle multiplier by time for 2 करने से ही होगा. तो denominator में कितना आएगा? 2 sin square x. और numerator में जो है ये exponential function है. Base में constant, power में function. तो आपको ये result में convert करना पड़ेगा. तो देखिए मेरे पास what are those steps here now? See now. Listen carefully here. So what you have done here? See now. अब इसको हम कैसे solve करते हैं? ये देखिए. तो सबसे पहले इसको हम simplify करेंगे. सिंपलीफाई मतलब कैसा ये देखो यहाँ पर ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन मिनट इट बिकम्स हियर ओके नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अब किसी को मालूम है तो ये फोर एस टू एक्स इट कैन बी रिटन एज फोर एस टू एक्स को तुम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते इसको अपन देखो ऐसे लिख सकते फोर एस टू एक्स एज इट इज बाद में बता सेकंड स्टेप में पर इसको सॉल्व करेंगे टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू वन ये ऐसा है क्या देखो ये स्टेप को टू इंटू टू रेस टू एक्स राइट है देखो दोनों का बेस तारका ये इसमें यही टाइम लगने वाला तुम्हारे समझने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू वन मतलब इस क्या 2 into 2 raise to x is there. ठीक है जाने तो एक स्टेप में अपन थोड़ा कर रहे हैं उसका एडजस्ट कुछ लिखते हैं यहाँ से 2 raise to x plus 1 can be done as 2 raise to x into 2 raise to 1 plus 1 divided by 1 minus cos 2x का फॉर्मूला अभी बता रहे हैं क्या फॉर्मूला 2 sin square x is there. इसका क्या एडिशन टाइम्स नहीं और इस ट्रिक्स ये जो है फंक्शन अपना इंडेक्सेस करो सबको मालूम है ना a रेस टू m प्लस n इट कैन टर्न एज a रेस टू m इनटू a रेस टू n तो बाय यूजिंग दैट रिजल्ट 2 रेस टू x प्लस 1 कैन टर्न एज 2 रेस टू x इनटू 2 रेस टू 1 इज देयर तो ये हो गया 2 रेस टू x इनटू 2 रेस टू इंडेक्सेस करो इंडेक्सेस करो तो हमने नाउ आफ्टर राइटिंग दिस वन अब देखो यहां से थोड़ा मजा आए अब ये किसी को देख रहा होगा तो ये है 2 इनटू 2 रेस टू x मतलब हम इसको क्या कर सकते एक्सपांशन में कन्वर्ट कर सकते इसको तो फॉर्मूला ये फॉर्म में आएगा अपना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज देयर ये फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टू इंटू टू एस टू एक्स से अपने को समझ में आया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो फोर एस टू एक्स को कोई ऐसा लिख सकते क्या देखो टू एस टू एक्स का स्क्वायर कैन बी राइट दिस वन फोर एस टू एक्स यस सर ब्लर होते वन मिनट टेस्ट भी करा लो एक मिनट थोड़ा ओके सो माय क्वेश्चन इज दैट सो कैन वी राइट दिस वन एज अ 4 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर असल में यही था हो क्यों देखो इसको अब 2 रेस टू एक्स स्क्वायर तुमको मालूम है ये दोनों एक दूसरे पे चेंज हो सकते हैं क्या हम इस पर लिखते हैं दो इज रिप्लेस बाय एक्स या एक्स इज रिप्लेस बाय टू टू रेस टू टू मतलब कि फोर रेस टू एक्स तो याद रखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरिया से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा फोर रेस टू एक्स का कहते हैं टू रेस टू एक्स स्क्वायर कर येला पुनः सॉल्व भी लगा मतलब कि बेटा फोर रेस टू एक्स देखो टू रेस टू एक्स का स्क्वायर दोनों का चेंज एक्स इज रिप्लेस बाय टू दो का पावर दो मतलब कितना चार चार का पावर मतलब कितना एक्स सो कैन यू राइट This 4 raised to x as a 2 raised to x square. Yes, you can write here. So it is equal to. अपन blur होते हैं. बोला?
ब्लर होते हैं, ब्लर दिखाई दे। सर ब्लर दिसायला आता पण क्लियर दिसतंय सर, क्लियर दिसायलंय सर, क्लियर आहे ना? ओके ओके मला सर क्लिअर दिसायला ये दोनों का रिप्लेसमेंट 2:2 का पावर एक्स इट कैन बी डन एज 4:x. सो इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस 4:x कैन बी डन एज 2:x होल स्क्वायर. ओके व्हाई? बिकॉज़ फाइनाइटिस रूल m into n कैन बी चेंज्ड n into m और m into n. सो वी कैन चेंज हियर x and 2 का रिप्लेसमेंट 4:2 इज नथिंग बट 4:x. सो कैन बी राइट दिस वन एज द 4. वीडियो पॉज झाला, वीडियो पॉज झाला, काय कमाल आहे सर. हाँ झालं सर, सुरू झालं. So this 4:x can be written as limit extends to 0, 2:x ka square minus 2 into 2:x minus 2 into 2:x plus 1 divided by 2 into sin square x. आता जर कोणाला दिसायचं असेल तर बघा हा फॉर्म्युला काय झाला. 2:x म्हणजे a square मायनस 2 ए, बी म्हणजे काय 1
आणि बी म्हणले काय वन सर स्क्वेअर म्हणजे किती वन. हे जर कोणाला दिसत असेल तर हा आहे एक्सपान्शन. कोणाचा एक्सपान्शन आहे ए म्हणजे टू रे स्क्वेअर्स आणि बी म्हणजे किती वन मध्ये मायनस. तर कसं घेता येईल बोला ए मध्ये मायनस तर मायनस आणि बी म्हणजे काय वन. टू रे स्क्वेअर्स मायनस वन चा तो काय आहे एक्सपान्शन आहे. डिवाइड बाय किती टू अपॉन नो टू इंटू साइन स्क्वेअर एक्स इज देअर. ही स्टेप आली का. फोर रे स्क्वेअर्स कॅन बी डन एज टू रे स्क्वेअर्स का स्क्वेअर मायनस टू इंटू टू रे टू एक्स प्लस वन. याला जर पाहिलं तर हे एक्सपान्शन आहे. तिसरं एक्सपान्शन आहे ए स्क्वेअर म्हणजे टू रे स्क्वेअर्स का स्क्वेअर मायनस टू ए बी. बी म्हणल्या किती आहे वन. टू इंटू टू रे स्क्वेअर इंटू बी म्हणल्या वन. बी चा स्क्वेअर म्हणजे वन चा स्क्वेअर वन डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वेअर एक्स इज देअर. व्हॉट हॅपन्स नाउ ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर इट इज नथिंग बट ए मीन्स टू रे स्क्वेअर्स मध्ये मायनस तर मायनस बी म्हणजे आर वन ब्रॅकेट चा स्क्वेअर डिवाइड बाय किती टू साइन स्क्वेअर एक्स. आता महत्वाचा तुम्हाला एक रिझल्ट हे माहिती आहे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे त्याला मायनस वन आहे. नाव फर्स्ट स्टेप इज दॅट लिमिट एक्सटेंड टू झिरो एक्सपोनेन्शियल फंक्शनला मायनस वन आहे. दुसरी स्टेप तिसरी स्टेप आहे डिव्हिजनला किती पाहिजे त्याचा एक्स पाहिजे. पहिला डिव्हिजनला एक्स आहे का नाही. पण पुन्हा याच्यामध्ये स्क्वेअर असल्यामुळे काय करावं लागेल एक्स स्क्वेअर ने डिवाइड करावं लागेल. डिवाइड न्यूमिरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअर इज देअर. वाय यू टू डिवाइड न्यूमिरेटर अँड डिनॉमिनेटर एक्स स्क्वेअर बिकॉज इट इज ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. आणि याला जर ब्रॅकेट मध्ये न्यायचे असेल तर डिवाइडिंग न्यूमिरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअर असा पाहिजे. सो कॅन वी डिवाइड दिस वन बाय. मग आता आपल्याला याला एक्स स्क्वेअर डिवाइड करता येईल. सो आफ्टर डिवाइडिंग इट विल बिकम हियर एक आहे बेटा इथे तुम्ही डिवाइड डिवाइड न्यूमिरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर ने डिवाइड करायचं. डिवाइड जर केलं तर मला बघा असा भेटेल हा. इट इज ऑफ दिस टाइप हियर इट ब्लू दस लिमिट पण वाढवते तुम्ही असं लिमिट एक्सटेंड टू झिरो टू रेस टू एक्स मायनस वन चा स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड टू झिरो टू साइन स्क्वेअर एक्स डिवाइडेड बाय किती एक्स स्क्वेअर इज देअर. कळलं. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनला कोणाकोणाची गरज असते एक मायनस वनची गरज असते. त्यानंतर डिव्हिजनला त्याला एक्स पाहिजे नेहमी बट हे स्क्वेअर इज देअर कशाने गरज म्हणून एक्स स्क्वेअरची. त्यामुळे न्यूमिरेटर अँड डिनॉमिनेटरला कशाने डिवाइड केलं आपण एक्स स्क्वेअरने. असं केल्याने काय झालं बघा आता. सो इट बिकम्स इट इज इक्वल टू याला बाजू लिहितो मी लिमिट एक्सटेंड टू झिरो टू रेस टू एक्स मायनस वन अपॉन एक्स. बघा ब्रॅकेट चा स्क्वेअर एक्स चा स्क्वेअर कोणाचा वाटत असेल तर ब्रॅकेट चा होल स्क्वेअर. नाउ टू इज अ कॉन्स्टंट आउट ऑफ द लिमिट दोला बाहेर लिमिटचा बाहेर. आता लिमिट मध्ये बघा साइन चा स्क्वेअर एक्स चा स्क्वेअर तर काय लिहिता येईल यू कॅन राईट हिअर ब्रॅकेट होल स्क्वेअर साइन एक्स बाय एक्स देन ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. आता जर कोणाला याचा रिझल्ट माहित असेल तर याचा रिझल्ट मला सांगा. हे काय झाला एक्स हा झिरो कडे जातो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मायनस वन आहे दोघांचा पॉवर सेम आहे तर डायरेक्टली हा झाला लॉग टू. हा पूर्ण काय झाला लॉग टू आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि डिव्हिजनला बघा दोन कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट लिमिट एक्सटेंड टू झिरो साइन एक्स बाय एक्स हा पूर्ण किती वन वन चा स्क्वेअर वन. तर फक्त किती आला इट इज नथिंग बट टू इज देअर याला इक्वेशन नंबर टू. बघा वन मध्ये काय होतं एफ ऑफ झिरो किती आला होता एफ ऑफ झिरो आला लॉग टू चा स्क्वेअर अपॉन टू. आणि लिमिट काढली तरी किती आला लॉग टू चा स्क्वेअर अपॉन टू. तर एक आणि दोन नुसार हा फंक्शन कसा आहे फ्रॉम वन एंड टू वी कॅन से दॅट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्युअस कोणत्या पॉइंटला ऍट एक्स इक्वल टू झिरो ला. वाय सी वाय इट इज कंटिन्युअस बिकॉज फंक्शनची व्हॅल्यू झिरो ला एवढी आणि ज्यावेळेस त्याची आपण लिमिट काढली लिमिट काढून सुद्धा किती आला एवढाच आला. त्यामुळे हे एक आणि दोन नुसार आपल्याला सांगता येईल फंक्शन काय आहे कंटिन्युअस आहे. काही स्टेप महत्वाचे होते त्याच्यामध्ये ही स्टेप महत्वाची होती. सर्वात पहिली असा एक्सपान्शन टू रेस टू एक्स प्लस वन कॅन बी डन एज ही स्टेप डबल इलेव्हन ठीक आहे. त्यात कशी दिलेला ते सांगतो मी टू रेस टू एक्स इंटू टू चा पॉवर वन इज देअर. सो दिस कॅन बी डन एज याला जर पाहिलं तर मला भेटला हा हे कळालं की हे एक्सपान्शनचा फॉर्म मध्ये आहे म्हणून गेलं काय टू रेस टू एक्स स्क्वेअर चार रेस टू एक्स मला लिहिता येईल मायनस टू इंटू टू रेस टू एक्स प्लस वन. ए स्क्वेअर म्हणजे टू रेस टू एक्स मायनस टू ए बी ए म्हणजे टू रेस टू एक्स आणि बी म्हणजे किती वन आणि वन चा स्क्वेअर हा काय
a square minus 2ab plus b square. So we can write here a minus b whole square is there. Exponential function असल्यामुळे x tend to 0 आहे, no doubt. पुन्हा exponential function ला minus 1 आहे, पण आता division ला किती पाहिजे असा x पाहिजे, पण x नाही येते. इथे square असल्यामुळे आपल्याला x square ने काय करावे लागेल, याला ही आणि याला काय करावे divide करावे लागेल. Divide केल्यानंतर याला divide केले x square ने, याला केले divide x square ने, दोघांची limit वाढून दिली. त्यानंतर x square bracket x square, so we can write here it is a whole square and limit मध्ये घेतली आपण this one. त्यानंतर दोन कॉन्स्टंट लिमिट सब आहे, लिमिट मध्ये काय आला साइन चा स्क्वेअर एक्स चा स्क्वेअर ब्रॅकेट चा होल स्क्वेअर. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पाहिजे. लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाय एक्स वैल्यू इक्वल टू 1, इक्वलिटी वैल्यू 1, 1 का स्क्वेअर 1, 1 इनटू 2 2, और ये पूरा कितना हो गया log 2, तो log 2 और ब्रैकेट का स्क्वेअर इज देयर. तो एक और दो के हिसाब से फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है. ये एक टाइप है. अब देखो इसका दूसरा टाइप ए टाइप का आएगा, एकदम सिंपल है. ए टाइप में ऐसा करेंगे अपन. और एक इसका दूसरा टाइप कैसा, इंटरवल के फॉर्म में. इंटरवल के फॉर्म में कैसा, ये देखो अभी सी नाउ इन केस ऑफ इंटरवल व्हाट यू डूइंग. इसको अगर से इंटरवल के फॉर्म में लाने का है तो कैसा सॉल्व करेंगे, ये देखो अभी. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन तुमको दिया है, कंटिन्यूटी में तुमको कम से कम 2 से 3 लेक्चर देखना पड़ेगा, तो तब जाकर समझेंगे. आज का दूसरा है और 2 लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और नहीं समझेगा तो अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर से नहीं समझा होगा तो. ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन. अपन प्रत्येक क्वेश्चन करून पाहणार आहे, त्यामुळे टेंशन घेऊ नका. आता मला सांगा या क्वेश्चन चा आंसर. चला पास सांगा. f of x is equal to x square minus 10x plus 21 upon x minus 7 for x for x equal to 7. For x not equal to 7. Okay. It is equal to 21 or it is equal to 4. For x equal to 7 is there. So, मला सांगा हा function 7 वर continuous आहे का नाही. तर तुम्हाला method कळला असेल how to solve that such type of question here. See you now. 1 minute. We clean the thing here. So see here now. Let us see here now. So what is done here? First of all, first step, bolo. Jaldi bolo. First step. For x equal to 7, f of 7 is equal to 4. All is equation number 1. ठीक है, जब x की वैल्यू 7 है, तो f of 7 कितना है? 4. इसको equation number 1. दूसरा, जब x नॉट इक्वल टू 7 है तो फंक्शन क्या है उस टाइम पे? फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7 इज देयर. तो x नॉट इक्वल टू 7 मतलब हमको इसकी क्या निकालना पड़ेगी, लिमिट निकालना पड़ेगी. लिमिट x टेंड टू 7 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 7 x स्क्वायर माइनस तब कंटीन्यूअस है अपॉन x माइनस 7 इज देयर. चलो अप्लाई द लिमिट. पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो. डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, x टेंड टू 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 70 प्लस 21. 49 में 70 का माइनस 21 प्लस 21 कितना आ गया 0. और नीचे 7 में से 7 गया कितना आया आंसर 0. 0 बाय 0 आया. तो कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन इसको, फैक्टराइजेशन. फैक्टर पढ़ते हैं इसके. फैक्टर बोलो क्या करेंगे इसके, लिमिट x टेंड टू 7 21 के फैक्टर सात्विक 21 x square minus 7x minus 3x plus 21 divided by x minus 7. तो क्या मिलेगा देखो, limit x tend to 7 x common x minus 7, ठीक है, minus 3 common x minus 7 upon कितना x minus 7 is there. तो कितना आएगा, limit x tend to 7 एक bracket में x minus 7 एक bracket में x minus 3 upon कितना x minus 7. So x minus 7 common term gets cancel. Apply the limit. X कहाँ पे जा रहा है, 7 की तरफ. तो 7 minus 3 कितना आ गया 4. Equation number 2. बोलो. Equation number 1 में जब x की value 7 है, तो f of 7 कितना है 4. और जब limit निकालेंगे, ये भी कितना आया 4. तो from 1 and 2, the given function is continuous. उस तक point ला, add x equal to 7 ला. इतना होता है this one.
So we can say that from 1 and 2, the given function is continuous. At which point? At x equal to 7. It is nothing but the function value f of 7 is a 4, and after finding the limit, it is again 4. So from 1 and 2, the given function is continuous. Very simple one. We can do number of problems on that basis. It's a basis of a number of questions in the use of the same. Okay, so yeah, are we having here? Yes, next question is something like to be here. See, next question is that. One minute, ये टाइप का सेम क्वेश्चन देखते हैं इसमें इतना ही नहीं टाइम होगा ठीक है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा है इसमें समझो फॉर एग्जांपल इट इज गिवन एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एक्स माइनस आ गया टू एस टू एक्स और 6x to x minus 1 or x not equal to 0. It is equal to log of 2 by 3. Log of 2 by 3 or x equal to 0. You want to check continuity at x equal to 0.